पबजी के हमेशा किसी न किसी से कोलैबोरेशन होते रहते हैं। हो भी क्यों ना, जिस गेम के दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हों, उस गेम के सर्वर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ जाती है। पबजी के कमाई करने के कई तरीके हैं, इन गेम प्रमोशन उनमें से एक है। अब चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का हो, गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का हो, रेजिडेंट ईविल 2 के साथ हो, या फिर एक फेमस डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर एलन वॉकर के साथ हो, लेकिन इस बार एक कोलैबोरेशन हुआ है एक अमेरिकन टीवी सीरीज द वॉकिंग डेड के साथ। ये है विंसेंट वॉन्ग, जिनको आपने पबजी मोबाइल क्लब ओपन फाइनल्स बर्लिन में भी देखा होगा। विंसेंट वॉन्ग पबजी मोबाइल के जनरल मैनेजर हैं। एरेंगल 2.0 मैप आने वाला है, ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। मिस्टर वॉन्ग ने बर्लिन में द वॉकिंग डेड के साथ अपना कोलैबोरेशन भी अनाउंस किया था। ये बोर्ड गेम इवेंट उसी कोलैबोरेशन का नतीजा है। इस एक्सप्लोरेशन गेम में 120 पॉइंट्स कलेक्ट करके डैरल्स मोटरसाइकिल की परमानेंट स्किन आपको शो ऑफ करने के लिए मिल जाएगी। हेलो गेमर्स, आप देख रहे हो INYP और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस डैरल्स मोटरसाइकिल स्किन को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि आखिर कौन है ये डैरल, जिसकी मोटरसाइकिल की 1500 UC की स्किन पबजी हमें बिल्कुल मुफ्त में देने को राजी है। डैरल डिक्सन एक फिक्शनल कैरेक्टर है द वॉकिंग डेड सीरीज का, जिसके सीजन 10 का फर्स्ट एपिसोड 6 अक्टूबर को आने वाला है। इसलिए ये प्रमोशनल इवेंट आया है ताकि गेम ऑफ थ्रोन्स के वो इंडियन फैंस, जिनकी वजह से गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज इंडिया में हिट हुई थी, जो कि आजकल पबजी मोबाइल ही खेलने में व्यस्त है, उनका ध्यान इस सीरीज के ऊपर भी जाए और द वॉकिंग डेड को भी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह एक भयानक फैन फॉलोइंग मिले। तो ये इवेंट 30 सितंबर से 21 अक्टूबर के लिए आया है। इसमें 3 वाहन दिए गए हैं, मोटरसाइकिल जो कि 1 या फिर 2 स्टेप चल सकती है। अब 1 चलेगी या 2, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे ही रक्षाएं यानी कि ऑटो रिक्शा 3 से 4 स्टेप चल सकता है और पिकअप ट्रक 5 से 6 स्टेप चल सकता है। तीनों ही व्हीकल सिर्फ एक बार आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही फ्यूल यूज करेंगे, चाहे वो 1 से 2 स्टेप चलने वाली मोटरसाइकिल हो या फिर 5 से 6 स्टेप चलने वाला पिकअप ट्रक। फ्यूल कैन एक ही यूज होगी बस। तो फिर तेल डालते रहो, गाड़ी चलाते रहो, जब तक 120 पॉइंट नहीं हो जाते। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं। तो इस गेम में 3 तरह के फ्रेम्स हैं, ग्रीन, रेड और गोल्ड। गोल्ड फ्रेम पे जाकर फ्यूल खत्म हुआ तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जितने पॉइंट्स ग्रीन फ्रेम पर लिखे हैं टोटल स्कोर में ऐड हो जाएंगे, मगर रेड फ्रेम पर जाकर अगर फ्यूल खत्म हुआ तो जितने पॉइंट्स लिखे हैं उतने माइनस भी हो जाएंगे। तो थोड़ा मैथ्स लगा लेना, ऐसी ही गाड़ी में तेल डालना जो लाल फ्रेम पर जाकर ना रुके। जैसे कि आने वाले 1 या 2 स्टेप में लाल फ्रेम हो तो मोटरसाइकिल ना ले, ऑटो या पिकअप ट्रक में ही तेल डालना, बाकी तो सब समझदार हो। खेलो और कमेंट सेक्शन में बताओ आज कितने पॉइंट कलेक्ट किए। तो मिलते हैं फिर, नया वीडियो नई खबर। गुड बाय गेमर्स।